हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित। आप देख रहे हैं टेक गोविंद यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मेरे पास है पैरासोनिक का MDH2 कैमरा, वीडियो कैमरा। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसमें जो फ़ोटो क्लिक किस तरीके से किए जाते हैं और ये फ़ोटो की क्वालिटी कैसी होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर ये जानकारी आपको पहले से ही है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो, जो कि है मेरा पैरासोनिक का MDH2 वीडियो कैमरा है, जो कि मैंने ऑन करके रखा हुआ है। और अभी जो मेरा वीडियो कैमरा है, जो कि सेटिंग इसकी वीडियो पर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और बीच में जो कैमरे का बटन है और जो नीचे बटन है, वो यहाँ पे जो क्लिप्स होती हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम देख सकते हैं। तो अभी मेरा जो कैमरा है वो वीडियो पर है। मैं इसे बटन को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ एक बार। तो अभी मेरा जो कैमरा है वो आप देख सकते हो फोटो मोड पर आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो कैमरा है, यहाँ पे आपको सिंबल्स दिख चुका होगा। तो आप देख सकते हो जो कि है, जो मेरा वीडियो कैमरा है वो कैमरे मोड पे आ चुका है और ये मैनुअल है। अब मैं इसे एक बार फोटो क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये कैमरा छपा हुआ है, इसे एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। तो मैं यहाँ दोबारा से एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा से प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरा फ़ोटो है, वो कैप्चर हो चुका है। और इसकी जो सेटिंग है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये है मेरा कैमरा जो कि मैंने अब ऑटो पर कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो पे करने के बाद मैं इस पर दो फ़ोटो क्लिक करता हूँ। मैं आपको बाहर के दो तीन फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसकी जो कैमरा सेटिंग है वो आपकी फ़ोटो साइज़ है वो किस तरीके से आपको चेंज करना है, इसमें दो तरीके साइज़ होते हैं, एक तो 2 MB का, एक 9.5 MB का, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको मीनू वाला बटन है वो प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डर सेटर पर आ जाना है। रिकॉर्डर सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर साइज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते इस तरीके से जो आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं तो अपनी जो फ़ोटो का साइज है, जो फ़ोटो फाइल का साइज है वो 9.4 MB रखें, ना कि 2.1 MB रखें। आपको ये 9.4 MB रखना है। तो इस तरीके से तो अपना आप कैमरे की जो क्वालिटी, कैमरे का फ़ोटो है वो इस सेटिंग पर करके आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 8-10 फोटो कैप्चर कर लिए हैं।